नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी के निर्देशानुसार जनपद भर के विभिन्न बूथों में मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को कार्यकर्ताओं द्वारा गंभीरता से सुना गया। जिला मुख्यालय के कुमार बूथ और शक्ति केंद्र में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की उपस्थिति में मन की बात कार्यक्रम को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा सुना। इस अवसर पर वीरेंद्र शाह, उमेश मेहर, राजेश शर्मा, राम सिंह बिष्ट, दीपा राणा, रघुवीर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। चंपावत पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार यातायात नियमों का पालन करने को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चंपावत क्षेत्र अंतर्गत 8 स्कूली वाहनों को क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ले जाने व निर्धारित मानकों का पालन न करने पर कोर्ट का चालान किया गया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल बसों व वाहनों की चेकिंग को लेकर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत आज आधे दर्जन से अधिक स्कूली वाहनों का क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने पर निर्धारित मानकों का पालन न करने पर चालान किया गया था। चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाने की बात भी पुलिस ने कही है। चेकिंग टीम में उप निरीक्षक निर्मल लटवाल, उप निरीक्षक पिंकी धामी व कांस्टेबल जीवन कुमार शामिल थे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विद्या मंदिर में आशा सर्टिफिकेशन परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा में 84 आशाओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा नियंत्रक गंभीर सिंह मेहता ने बताया कि NIOS व NHM के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आशा सर्टिफिकेशन परीक्षा के लिए 88 आशाओं ने पंजीकरण किया था, जिसमें से 4 आशाओं का परीक्षा केंद्र ब्लॉक से बाहर अन्यत्र होने से विद्या मंदिर मुनस्यारी में 84 आशाओं ने परीक्षा दी। परीक्षा को संपन्न कराने में BPM प्रताप सिंह बिष्ट, फार्मासिस्ट नीरज कुमार, प्रवेश चमोली, DEO लक्ष्मण सिंह धामी, ANM हेमलता, PRD जवान केसर राम सहित कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पिथौरागढ़ में आगामी 26 और 27 सितंबर का अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन कुमाऊं मंडल का 2 दिवसीय अधिवेशन पाठकोट लाइन स्थित नवनिर्मित बारातघर सभागार में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौपाल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संगठन अनुसूचित जाति जनजाति संजय कुमार टमटा को आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला संरक्षक अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के महेश मुरारी ने बताया कि अधिवेशन जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। बताया कि अधिवेशन के अन्य कार्यक्रम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। सरयाम मोबाइल छीनकर भाग रहे सातिक चोर को पुलिस ने मशक्कतों के बाद दबोच लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस लक्सर कोतवाली में राजेंद्र कुमार वर्मा निवासी शिवपुरी ने तहरीर देकर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लक्सर बाजार में उनके दोस्त की लड़की के हाथ से 2 मोबाइल छीन लिया और आरोपी फरार हो गया। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए SSP के आदेशानुसार मामले के त्वरित खुलासे को लेकर पुलिस टीम द्वारा आरोपी विशाल निवासी खड़ंजा कुतुबपुर को चोरी किए 2 मोबाइलों के साथ सुगर मिल के निकट से दबोच लिया। आरोपी को दबोचने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल जितेंद्र नेगी, होमगार्ड गौरव शामिल थे। आश्रम से भागी युवतियों को पुलिस की सजगता के चलते सकुशल बरामद कर लिया गया और कनखल स्थित आश्रम स्टाफ के सुपुर्द किया गया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा की जा रही संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान सीतापुर ज्वालापुर में 4 लड़कियां आते हुए दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि 4 में से 2 लड़कियां नाबालिग हैं। लड़कियों को कोतवाली ज्वालापुर लाकर परिजनों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार प्रसार करने पर पता चला कि इस संबंध में थाना कनखल में सूचना प्राप्त है। 4 लड़कियां मातृअंचल आश्रम अनाथालय जगजीतपुर से शाम को भाग गई थी। चारों लड़कियों को थाना कनपुर पुलिस व आश्रम स्टाफ को सकुशल सुपुर्द कर थाना कलखर के लिए रवाना किया गया। बीते दिनों से गुमशुदा हुए युवक की तलाश को लेकर SDRF और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। बीते 5 दिवस पूर्व गोदम्बरी देवी निवासी ग्राम पटौड़ी गैरसैंण जनपद चमोली ने अपने बेटे करण पवार पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह 18 सितंबर को अपने ट्रक से गैरसैंण से घाट के लिए राशन लेकर जाने व सिमली बैंड से ट्रक खड़ा कर कहीं चले जाने के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली कर्णप्रयाग में गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा तत्काल ही मामले का संज्ञान लेते हुए गुमशुदा की बरामदगी के लिए सभी टीमों को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस SOG व SDRF की टीमों द्वारा संयुक्त
रूप से सर्च अभियान चलाकर संभावित क्षेत्रों में गुमशुदा की तलाश कर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से विषम परिस्थितियों में नदी किनारे सर्चिंग अभियान चलाया गया। गुमशुदा युवक की तलाश के लिए सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। तारीख शाम को 5 बजे मेरा भाई घर से आया और रात 8:28 में लास्ट बात उसकी माँ से हुई कि माँ मैं सिमली बैंड पहुँच गया हूँ। उसके बाद से अभी तक मेरा भाई लापता है और हमारा ट्रक जो कि घाट के लिए माल लेके जा रहा था ननप्रिया घाट के लिए, वो ट्रक वहीं पे खड़ा था सिमली पुल पे। पूरी टीम लगी है, एसएसओ वो साहब लगे हैं, एसओजी साहब लगे हैं, वो एसएचओ साहब लगे हैं, अपने मतलब पूरी पुलिस टीम लगी है, एसडीआरएफ वो सब लगे हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।